हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, आज हम एक नई कहानी के बारे में जानेंगे, जो कहानी है चिड़िया और बंदर की। तो चलो दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। बहुत खूबसूरत जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, और उस जंगल में वृक्ष की शाखा में घोंसला बनाकर चिड़ियों का जोड़ा रहा करता था। वर्षों से वे वहां सुख का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठंड का मौसम था, चिड़ियों का जोड़ा अपने घोंसले में बैठा आराम कर रहा था। तभी अचानक ठंडी हवा के साथ बारिश प्रारंभ हो गई। ऐसे में कहीं से एक बंदर आया और उस पेड़ के नीचे बैठ गया। बंदर ठंड से ठिठुर रहा था। ठिठुरन के कारण उसके दांत किटकिटा रहे थे। बंदर के दांतों की किटकिटाहट सुन चिड़ियों ने अपने घोंसले से बाहर झांक कर देखा। बंदर को बारिश में भीगता देख वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाई और पूछ बैठी, कौन हो तुम? इतनी बारिश में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? चिड़िया की बात सुनकर बंदर चिढ़ गया, किंतु उस समय वह किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहता था। वह चुप ही रहा। बंदर को चुप देख चिड़िया का हौसला बढ़ गया और लगी वह अपनी सलाह देने। लगता है तुम्हारा कोई घर नहीं, तभी इस बरसात में भीग रहे हो। तुम्हारा चेहरा तो मानव जैसा है, शरीर से भी हष्ट पुष्ट लगते हो। ऐसे में अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? अपना घर ना बनाना मूर्खता है। उसका फल देखो, तुम बारिश में बैठे ठिठुर रहे हो, और हमें देखो, हम सुखी से अपने घोंसले में बैठे हैं। इतना सुनकर बंदर क्रोध में लाल पीला हो गया। उसने चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया। मूर्ख को परामर्श देने का फल चिड़िया को मिल गया। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि मूर्ख लोगों को परामर्श नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।